हेलो बच्चों, तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड में जो है 50% जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है और बाकी 50% क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव होता है, और जिसमें प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है 30%। तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हैं। ये सीरीज में क्या है कि हम ये सिर्फ बायोलॉजी है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम देना है, इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट तो और होगा आपका, अगर एक्स्ट्रा होगा तो एक और सब्जेक्ट होगा। इसलिए हम लेके के आए हैं कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े, इसलिए मात्र 10-10 क्वेश्चन का सीरीज है। और ये क्वेश्चन जो है ना एकदम VBA क्वेश्चन जिसको बोला जाता है ना, कि इस जो सीरीज है ना सारा का सारा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि ये डेली मेहनत के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है और ये चुन करके लाया जाता है। ये नहीं कि किताब से या कहीं से ऐसे नोट्स कर लिया गया, नहीं, ये खुद इसको टाइपिंग करने के लिए मैं खुद वहाँ पे बैठता हूँ और मेरे पास बहुत सारी किताबें, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब चीज़ रहती हैं, उसके साथ उसके बाद उसको बोलता हूँ जो टाइपिंग करता है तो वो टाइपिंग करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है क्योंकि बिहार बोर्ड में सिर्फ ऑब्जेक्टिव और 10 ऑब्जेक्टिव डेली आएगा। तो इस 10 ऑब्जेक्टिव में डेली आप लोग क्या करना है, याद कर लेना, क्योंकि इसके साथ साथ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट होता है होता है, इसलिए ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। इसलिए हम लोग क्या 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए। सोचिए ये 10 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% आपका मार्क्स तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, और शुरू करने से पहले एक और बात बता दें कि जो YouTube चैनल है वो पाथवे और द लर्निंग पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। तो पाथवे जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके क्या आ जाएगा, YouTube चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो जाए, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले ताकि आप सबसे पहले याद कर ले। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सीरीज होने वाला है, यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स सेड आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। किसमें जो 4 प्लांट दिया है इसमें किसमें एपोमिक्सिस के थ्रू क्या होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है एस्ट्रेसियन ग्रासेस, दूसरा ऑप्शन है मस्टर्ड, तीसरा ऑप्शन है साइट्रस एंड मैंगो, और इसमें NOT का मतलब होता है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें आंसर कौन होगा, तो याद रख लेना एकदम, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। देखिए कब पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बिहार बोर्ड 2018। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन, कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहाँ पे चलता है, किस में चलता है। ठीक है, देखिए नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का बात करेगा तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहाँ चलता है, हनी भी इस समय भी चलता है, तो लेकिन NCERT के हिसाब से ज़्यादा बेटर आंसर ये रहेगा, ये फिर ऑल भी मार सकते हैं। तो देखा, ये देखिए क्वेश्चन का पूछा गया बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, इमस्कुलेशन इज रिलेटेड टू, इमस्कुलेशन बैगिंग आप लोग पढ़े हुएगा, तो कह रहे हैं कि जो इमस्कुलेशन है वो किसके रिलेटेड है, तो पहला है मास सिलेक्शन, दूसरा है क्या क्लोनल सिलेक्शन, अगला है हाइब्रिडाइजेशन और है प्योर लाइन। ठीक है, तो ये जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, इमस्कुलेशन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, चलिए नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। 3rd तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अगला हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन का बात करेगा कर, एक एपरेटस देखिए, एक एपरेटर कंसिस्ट ऑफ, कि एक एपरेटस है उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो पहले एक सेल एंड एंटीपोडल सेल, एक एपरेटस में, अगला है पोलर न्यूक्लियस, अगला है एक एंड सिनर्जी सेल और एक, इसलिए एक एपरेटस में क्या होता है, सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 2 पीस ये और एक ये, तीनों मिलके एक साथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एपरेटस बोलते हैं। यानी 4th नंबर का आंसर क्या होगा, सी। देखा, चलिए अगला, विच वन प्रोड्यूस एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट, ये 4 में से कौन है जो मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो बात क्या, पहला है एंटीपोडल सेल, वह सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा क्या चीज होगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करता है, मेल गैमेट से रिप्रोडक्शन करके क्या बना देता है, एंडोस्पर्म बना देता है। ठीक है, तो 5th नंबर हम लोग का आंसर पता चल गया कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोग भी इसके साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको क्या करते रहिए, लिखते रहिए, ताकि क्वेश्चन भी आप लोगों के पास रहे। अगला 6th नंबर क्वेश्चन में क्या है, थैलमस इज द एडेबल पार्ट ऑफ इन पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया हो इसमें से
थैलेमस जो होता है किसका एडेबल पार्ट होता है, तो एनसाइटिक लाइन में डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए क्या है, एप्पल जो होता है उसका एडेबल पार्ट जो होता है वो थैलेमस होता है, क्योंकि थैलेमस से ही एप्पल बना हुआ रहता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर हो गया मेरा थैलेमस, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज, पोलन ग्रेन का वॉल पूछ रहे हैं, एंथर का नहीं। तो पोलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर। इसलिए पहला ऑप्शन है सिंगल लेयर, दूसरा डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, मल्टी लेयर, इसलिए आंसर कौन होगा उसका, डबल लेयर। यहाँ तक कोई देखा? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, सिस्टम होता है, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, एस्ट्रिगमा, स्टाइल, ओवरी और ऑल, इसलिए इसका आंसर कौन होगा, ऑल, सबसे मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? अगला द फंक्शन ऑफ टैपेटम, टैपेटम का फंक्शन क्या होता है, तो पहला लिखा है प्रोटेक्टिव, दूसरा न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी ऑल, इसलिए टैपेटम क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सॉरी टैपेटम क्या होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन की बात करें, द टिश्यू विच अटैच द ओव्यूल इन साइड द ओवरी, जैसे बता दें हम लोग कि मान लीजिए ये ओवरी है और इसी ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, किससे अटैच रहता है, इस अटैचमेंट का बात पूछ रहे थे, इस अटैचमेंट का, इसका नाम क्या होता है, प्लासेंटा। इसलिए इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन कितना आसान है, हाँ, लेकिन यही आपको बोल दिया जाए कि कल एग्जाम है आप आज पढ़ लीजिए 100 क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन ये बोला जाए कि अभी से लेके एग्जाम में टाइम है 40 दिन के आसपास टाइम है, तो ये 40 दिन के अंदर आपको बोला जाए अगर रोज 10 क्वेश्चन आप लोग याद करते हैं तो रोज 10 क्वेश्चन तो 40 × 10 आप कर लीजिए कितना हो गया, 400। तो रोज 10 क्वेश्चन अगर याद कीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 400, और ये 400 क्वेश्चन में मात्र आपको बनाना कितना होगा, 35। और इस रोज 10 10 क्वेश्चन जो आप लोग याद कर लिए तो ये मेरा गारंटी है जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। एक बार इसको स्लो हम कर देते हैं ताकि आप लोग इसको क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, आंसर भी आपको पता है। ये देखिए यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर 10 ऑब्जेक्टिव के साथ।